नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दीना कानपुर शहर के मोहल्ला दीन दयालपुरम की केडीए कॉलोनी निवासी मेवालाल की बड़ी बेटी थी। दीना के अलावा उसकी दो और बेटियां थीं। बेटियों से छोटा एक बेटा था करण। मेवालाल की पत्नी कुसुम घरेलू महिला थी, जबकि वह फेरी लगाकर कपड़े बेचा करता था। दीना जवान हो चुकी थी। मेवालाल चाहता था कि कोई सही लड़का मिल जाए तो वह उसके हाथ पीले कर दे। थोड़ी खोजबीन के बाद उसे कानपुर देहात के कस्बा मूसानगर निवासी भिखाराम का बड़ा बेटा रामबाबू पसंद आ गया। भिखाराम के पास 3 बीघा खेती की जमीन थी और कस्बे के मुर्तजा नगर में अपना मकान भी था। रामबाबू व उसके घर वालों ने जब खूबसूरत दीना को देखा तो वह उन्हें पसंद आ गई। दीना को देखकर भिखाराम बिना किसी दहेज के बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो गया। अंततः सामाजिक रीति रिवाज से 10 जून 2018 को दीना और रामबाबू का विवाह हो गया। इस शादी से रामबाबू भले ही खुश था, लेकिन दीना खुश नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि दीना ने जिस तरह पढ़े लिखे और स्मार्ट पति के सपने संजोए थे, रामबाबू वैसा नहीं था। दीना ससुराल में हफ्ते भर रही, पर वह पति के साथ भावनात्मक रूप से नहीं बंध सकी। हफ्ते भर बाद वह मायके आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। कुसुम ने कारण पूछा तो वह रोआंसी होकर बोली, माँ तुम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि वे दहेज नहीं मांग रहे, पर यह नहीं देखा कि लड़का कैसा है। सब कुछ तो है उनके पास, तुझे किस चीज की कमी है? तुझे तो पता है कि अभी तेरी 2 बहनें और हैं, हमें उन्हें भी ब्याहना है। कुसुम ने अपनी मजबूरी जाहिर की तो दीना चुप हो गई। माँ के इस जवाब के बाद दीना ने हालात से समझौता कर लिया। वह ससुराल में पति के साथ रहने लगी। ससुराल का वातावरण दकियानूसी था, बात बात पर रोक टोक होती थी, पति की कमाई भी सीमित थी, जिसके कारण दीना को अपनी इच्छाएं सीने में ही दफन करनी पड़ती थीं। वक्त के साथ दीना 2 बच्चों शिवम और शिवानी की मां बन गई। परिवार बढ़ा तो खर्चे भी बढ़ गए। जब दीना को लगा कि रामबाबू की कमाई से घर का खर्च नहीं चल पाएगा, तो उसने पति को कानपुर शहर जाकर नौकरी या कोई काम करने की सलाह दी। पत्नी की यह बात रामबाबू को भी ठीक लगी। रामबाबू का एक दोस्त था सजीवन, जो कानपुर शहर की योगेंद्र विहार कॉलोनी में रहता था। वह किसी फैक्ट्री में काम करता था। कहीं काम दिलाने के संबंध में उसने सजीवन से बात की। सजीवन ने उसे सुझाव दिया कि वह साइकिल मरम्मत का काम शुरू करे, पंक्चर लगाने आदि से उसे अच्छी कमाई होने लगेगी। रामबाबू को दोस्त की सलाह पसंद आ गई। उसने खाड़ेपुर कॉलोनी मोड़ पर साइकिल मरम्मत की दुकान खोल ली और योगेंद्र विहार कॉलोनी में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। रामबाबू का साइकिल रिपेयरिंग का काम अच्छा चलने लगा। पैसा आने लगा तो रामबाबू पत्नी और बच्चों को भी शहर ले आया। शहर आकर दीना खुश थी। शहर आने के बाद वह बनसंवर कर रहने लगी। दीना ने घर के पास ही स्थित शिशु मंदिर में बच्चों का दाखिला करा दिया। बच्चों को स्कूल भेजने वलाने का काम वह खुद करती थी। पिंटू नाम का एक युवक रामबाबू की दुकान पर अपनी साइकिल रिपेयर कराने आता था। पिंटू बर्रा 8 में रहता था और नौबस्ता स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करता था। पिंटू की रामबाबू से दोस्ती हो गई। जरूरत पड़ने पर रामबाबू पिंटू से पैसे भी उधार ले लेता था। कभी कभी दोनों साथ बैठकर शराब भी पी लेते थे। पीने पिलाने का खर्च पिंटू ही उठाता था। एक दिन पिंटू दुकान पर आया तो रामबाबू बोला, पिंटू आज मेरे बेटे शिवम का जन्मदिन है, मेरी तरफ से आज तुम्हारी दावत है, शाम को फैक्ट्री से सीधे घर आ जाना, भूलना मत। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा, कहते हुए पिंटू फैक्ट्री चला गया। शाम को पिंटू गिफ्ट लेकर रामबाबू के घर पहुंच गया। रामबाबू उसका ही इंतजार कर रहा था। उसने पिंटू को गले लगाया, फिर पत्नी को आवाज दी, दीना देखो तो कौन आया है। बेटे का जन्मदिन होने की वजह से दीना पहले से ही सजी धजी थी। पति की आवाज सुनकर वह आ गई। वह पिंटू की ओर देखकर बोली,
मैंने आपको पहचाना नहीं भाभी जी, जब मैं आपके घर कभी आया ही नहीं तो पहचानेंगी कैसे। मैं रामबाबू भैया का दोस्त हूँ, नाम है पिंटू, वह बोला। पिंटू की बीना से यह पहली मुलाकात थी। पहली ही मुलाकात में बीना पिंटू के दिलो दिमाग पर छा गई। रामबाबू ने पिंटू की खूब खातिरदारी की। उस समय बीना भी मौजूद रही। इसके बाद पिंटू ने ठान लिया कि वह किसी भी तरह बीना को हासिल करके रहेगा। वह उसे हासिल करने का प्रयास करने लगा। पिंटू जानता था कि बीना तक पहुंचने का रास्ता रामबाबू ही है, अतः उसने रामबाबू को शराब का आदि बनाने की सोची। इसी के चलते वह शराब की बोतल लेकर रामबाबू के घर जाने लगा। घर में दोनों बैठकर शराब पीते फिर खाना खाते। इस बीच पिंटू की निगाहें बीना के जिस्म पर ही गड़ी रहती थीं। शराब के नशे में पिंटू कभी कभी बीना से मजाक व छेड़खानी भी कर लेता था। बीना जल्द ही पिंटू के आने का मकसद समझ गई थी। वह बीना की आर्थिक मदद भी करने लगा, बच्चों की जरूरत का सामान और खाने पीने की चीजें भी लाने लगा। धीरे धीरे पिंटू ने अपने एहसानों व लच्छेदार बातों से बीना के दिल में जगह बना ली। अब बीना भी पिंटू से खुलकर हंसने बोलने लगी थी। एक दिन बीना सजधज कर बाजार के लिए घर से निकलने वाली थी, तभी पिंटू आ गया। वह बीना को एक तक देखता रहा, फिर बोला, भाभी बन ठनकर किस पर बिजली गिराने जा रही हो? मक्खनबाजी बंद करो, अभी मुझे कहीं जाना है, बाद में बात करेंगे, ओके? कहते हुए बीना बाजार के लिए चल दी। पिंटू भी वहां से चला गया। एक दिन बीना का पति रामबाबू मूसानगर गया हुआ था और बच्चे स्कूल। बीना घर के काम निपटाने के बाद बच्चों को स्कूल से लाने की तैयारी कर रही थी, तभी पिंटू आ गया। इस अकेलेपन में पिंटू खुद को रोक नहीं सका और उसने बीना को अपनी बाहों में भर लिया। बीना ने कसम सा कर हल्का प्रतिरोध किया, लेकिन पिंटू की पकड़ मजबूत थी सो वह छूट नहीं सकी। हकीकत में बीना पिंटू की बाहों में एक अकल्पनीय सुख महसूस कर रही थी। यही वजह थी कि उसके सोए हुए अरमान जाग उठे। वह भी पिंटू से अमरबेल की तरह लिपट गई। इसके बाद उन्माद के तूफान में उनकी सारी मर्यादाएं बह गईं। उस दिन बीना तो मर्यादा भूल ही गई थी। पिंटू भी भूल गया था कि वह अपने दोस्त की गृहस्थी में आग लगा रहा है। जल्दी ही बीना पिंटू के प्यार में इतनी दीवानी हो गई कि वह पति से ज्यादा प्रेमी का ख्याल रखने लगी। पिंटू भी अपनी कमाई बीना पर खर्च करने लगा। बीना जो भी डिमांड करती, पिंटू उसे पूरी करता। रामबाबू उन दोनों के मिलन में बाधक न बने, इसलिए पिंटू रामबाबू को शराब की दावत देकर उसका विश्वासपात्र दोस्त बना रहता था। ऐसे रिश्तों को ज्यादा दिनों तक छिपाकर नहीं रखा जा सकता, देर सबेर पोल खुल ही जाती है। जब पिंटू का रामबाबू की अनुपस्थिति में बीना के यहाँ ज्यादा आना जाना हो गया तो पड़ोसियों को शक होने लगा। कॉलोनी में उनके संबंधों को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई। किसी तरह बात रामबाबू के कानों तक भी पहुंच गई। रामबाबू अपने दोस्त पिंटू पर अटूट विश्वास करता था, इसलिए उसने सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मन में शक का कीड़ा जरूर कुलबुलाने लगा। शक के आधार पर एक रोज रामबाबू ने बीना से पिंटू के बारे में पूछा तो वह तुनक कर बोली, पिंटू तुम्हारा दोस्त है, तुम ही उसे लेकर घर आए थे, वह आता है तो मैं उससे हंस बोल लेती हूँ, पास पड़ोस के लोग जलते हैं, पड़ोसियों की झूठी बातों में आकर तुम भी मुझ पर शक करने लगे। मैं शक नहीं कर रहा, केवल पूछ रहा हूँ, रामबाबू प्यार से बोला। पूछना क्या है, अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा पड़ोसियों की बातों पर भरोसा है तो पिंटू को घर आने से मना कर दो, लेकिन सोच लो, पिंटू हमारी मदद भी करता है और तुम्हारी पार्टी भी, तुम्हारी कमाई से मकान का किराया, बच्चों की फीस और घर गृहस्थी का खर्च क्या चल पाएगा? पत्नी की बात पर विश्वास कर रामबाबू शांत हो गया। एक दिन रामबाबू दुकान पर गया और काम भी किया, लेकिन दो घंटे बाद उसे लगा कि बदन टूट रहा है और बुखार है। वह दुकान बंद करके घर पहुंच गए। कमरा अंदर से बंद था। कुंडी खुलवाने के लिए उसने जंजीर की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि तभी उसे कमरे के अंदर से पत्नी के हंसने की आवाज आई। रामबाबू ने अपना हाथ रोक लिया। उसने दरवाजे की झिर्री से देखा तो दंग रह गया। उसकी पत्नी आपत्तिजनक स्थिति में थी। रामबाबू का खून खौल उठा, लेकिन उस समय वह बोला कुछ नहीं।
वह कुछ देर जड़वत खड़ा रहा। फिर खटखटाने पर दरवाजा खुला तो उसे देखकर बीना व पिंटू अपराध बोध से कांपने लगे। दोनों ने रामबाबू से माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का वादा किए। दोनों को माफ करने के अलावा रामबाबू के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। पत्नी की बेवफाई से रामबाबू को गहरी ठेस लगी था। उसे अब अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए उसने कानपुर शहर छोड़कर घर जाने का निश्चय कर लिया। बीना को घर वापस जाने की बात पता चली तो उसने बच्चों की पढ़ाई का सवाल उठाया, लेकिन रामबाबू मानने को तैयार नहीं हुआ। पत्नी और बच्चों को साथ लेकर वह मूसानगढ़ स्थित अपने घर आ गया। रामबाबू खेती किसानी व मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण करने लगा। उसने दोनों बच्चों का दाखिला कस्बे के प्राइमरी स्कूल में करा दिया। बीना के गांव चले जाने के बाद पिंटू परेशान हो उठा। उसे बीना की याद आने लगी। पिंटू से जब नहीं रहा गया तो वह बीना की ससुराल पहुंच गया। वहां रामबाबू ने उसे बेइज्जत किया और बीना से नहीं मिलने दिया। इसके बाद तो यह सिलसिला ही बन गया। पिंटू आता और बेइज्जत होकर वापस हो जाता। कुछ महीने ससुराल में रहने के बाद बीना ने विरोध शुरू कर दिया। दरअसल बीना ससुराल में कैदी जैसा जीवन व्यतीत कर रही थी। घर से बाहर निकलने पर पाबंदी थी, जबकि वह स्वतंत्र विचरण करना चाहती थी। साथ ही वह अभावों से भी जूझ रही थी। एक दिन बीना ने रामबाबू से साफ कह दिया कि वह शहर जाकर खुद कमाएगी और अपना व बच्चों का पालन पोषण करेगी। रामबाबू ने विरोध किया लेकिन वह नहीं मानी। बीना ससुराल छोड़कर कानपुर शहर चली गई। नौबस्ता थाने के अंतर्गत धोबिन पुलिया कच्ची बस्ती में किराए पर मकान लेकर वह अकेली ही रहने लगी। उसने नौकरी के लिए दौड़ धूप की तो उसे आवास विकास नौबस्ता स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। नौकरी मिल जाने के बाद बीना अपने दोनों बच्चों को भी साथ रखना चाहती थी, लेकिन रामबाबू ने बच्चों को उसके साथ भेजने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन बच्चों के लिए उसका मन तड़पता तो वह जब तब बच्चों से मिलने जाती और उन्हें खर्चा देकर चली आती। कभी कभी वह बच्चों से मोबाइल पर भी बात कर लेती थी। पिंटू को जब पता चला कि बीना वापस कानपुर शहर आ गई है तो उसने फिर से बीना से मिलना जुलना शुरू कर दिया, पर बीना ने उसे पहले जैसी तवज्जो नहीं दी। बीना जिस प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करती थी वहीं पर 25-26 साल का सुनील भी काम करता था। सुनील बीना के घर से कुछ दूरी पर कच्ची बस्ती में ही रहता था। बीना और सुनील हंसमुख स्वभाव के थे, इसलिए दोनों में खूब पटती थी। छुट्टी वाले दिन वह सुनील के साथ घूमने भी जाती थी। सुनील उसे चाहने लगा था। धीरे धीरे सुनील और बीना नजदीक आते गए और दोनों में नाजायज संबंध बन गए। सुनील सुबह बीना के घर आता, दोनों साथ चाय नाश्ता करते और फिर साथ साथ फैक्ट्री चले जाते। शाम को भी सुनील बीना को घर छोड़ देता। कभी कभी वह बीना के घर रुक जाता, फिर रात भर दोनों मौज मस्ती करते। बीना के सुनील के साथ संबंध बन गए तो उसने पहले प्रेमी पिंटू को भाव देना बंद कर दिया। अब पिंटू जब भी उसके पास आता तो बीना विरोध करती। वह उसे घर में शराब पीने को भी मना करती। पिंटू को वह अपने पास भटकने नहीं देती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बीना में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। उसने गुप्त रूप से पता किया तो सच्चाई सामने आ गई। उसे पता चल गया कि बीना के सुनील से संबंध बन गए हैं। सुनील को लेकर बीना और पिंटू में झगड़ा होने लगा। पिंटू बीना पर दबाव डालने लगा कि वह सुनील का साथ छोड़ दे, लेकिन बीना इसके लिए तैयार नहीं थी। प्रेमिका की इस बेवफाई से पिंटू परेशान रहने लगा। 10 फरवरी 2018 को पिंटू रात 8 बजे शराब के ठेके से बोतल खरीदकर बीना के घर पहुंचा तो वहां सुनील मौजूद था। सुनील वहां से चला गया तो पिंटू ने बीना से सुनील के बारे में पूछा। बीना ने उसे सब कुछ सच बता दिया। इस पर पिंटू को गुस्सा आ गया। पिंटू ने तेज धार वाला चाकू साथ लाया था। उसने चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर वार कर दिया। बीना जमीन पर गिर गई। उसके बाद पिंटू बीना के सीने पर बैठ गया और यह कहते हुए उसकी गर्दन रेत दी कि बेवफाई की सजा यही है। बीना की हत्या करने के बाद पिंटू ने शराब पी फिर बाहर से दरवाजे की कुंडी बंद कर फरार हो गया। 11 फरवरी की सुबह सुनील बीना के घर पहुंचा तो दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद थी।
वह कुंडी खोलकर कमरे में गया तो उसके होश उड़ गए। फर्श पर बीना की खून से सनी लाश पड़ी थी। सुनील ने पहले पास पड़ोस के लोगों फिर थाना नौबस्ता पुलिस को सूचना दी। सूचना पाते ही नौबस्ता थाना प्रभारी अखिलेश जायसवाल पुलिस टीम के साथ आ गए। उन्होंने महिला की हत्या की सूचना अपने अधिकारियों को दे दी। कुछ देर बाद ही एसएसपी अखिलेश कुमार मीणा, एसपी अशोक कुमार वर्मा वहां पहुंच गए। मृतका की उम्र 32 वर्ष के आसपास थी। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर जांच की। पुलिस अधिकारियों ने सूचना देने वाले सुनील तथा मृतका के पति रामबाबू से पूछताछ की। रामबाबू ने पत्नी की हत्या का शक अपने दोस्त पिंटू करिया पर जताया। रामबाबू की तहरीर पर पुलिस ने पिंटू करिया के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और उसकी तलाश में छापेमारी शुरू कर दी। शाम करीब 5 बजे नौबस्ता थाना प्रभारी अखिलेश जायसवाल ने मुखबिर की सूचना पर पिंटू करिया को नौबस्ता के दासुकुआ के पास से गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने सहज ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि बीना ने उसके साथ विश्वासघात किया था, इसी गुस्से में उसने उसे मार डाला। पुलिस ने पिंटू की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए। पूछताछ के बाद पुलिस ने 12 फरवरी 2018 को उसे कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जिला कारागार भेज दिया गया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।